व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर सनी एंड वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। जैसे कि आपने थोड़ा वो सिनेमेटिक्स में आगे देख लिया होगा और थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे होने जा रहा है। तो गाइस, आज है मकर संक्रांति। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब कि आज है 14 जनवरी और 2021 और ठंड देखो कितनी पड़ रही है। पीछे कोहरा है। मतलब इससे ऐसा होता है ना, कहते हैं, शुरू से कहते हुए आए हैं कि 14 तारीख को ठंड पड़ती ही पड़ती है। तो वही वाली बात है कि हाँ देखो, कोहरा भी काफ़ी है आज, और कल भी नहीं था ना उससे पहले था, आज कोहरा काफ़ी है। तो गाइस, आपने थोड़े बहुत सिनेमेटिक शुरू में देख ही लिए होंगे खिचड़ी हम कैसे बांट रहे हैं। तो गाइस, और उसके अगर पूरी आगे की कहानी देखनी है तो मेरे ब्लॉग में बने रहना है आप लोगों को, और ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए। तो गाइस, आगे चलते हैं और अब शुरुआत से बनाते हैं कि खिचड़ी हमने बनाई कैसी है ना, और फिर उसके बाद कैसे कैसे बांटी। तो आप लोगों को ब्लॉग के अंदर बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और देखिए। आपने सिनेमेटिक्स में कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, और खिचड़ी जैसे बनी पूरी तैयार हो चुकी है, खिचड़ी बन चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बीच में, कि यहाँ पे एक शाखा भी चलती है जिसके लिए सुबह सुबह बच्चे आते हैं और या फिर और देश से संबंधित कुछ बातें सिखाई जाती हैं सुबह को, हमारे मेरे घर के पास ये पार्क में। मैं इसका पूरा एड्रेस जो है वो इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर बब्बू सदर की कोठी पड़ती है, उससे थोड़ी सी आगे जाके एक कृषि भवन पड़ता है। तो वहाँ पे यहाँ पे एक पार्क है, किसी से ही पूछ लेना, कृषि भवन के पास जाके कहाँ पार्क है। तो 6:30 से 7 बजे तक, मतलब सुबह को जो होता है 6 बजे से 7:30 बजे तक या 8 बजे तक यहाँ पे सुबह को एक शाखा चलती है जिसमें कि तुम्हें देश से संबंधित बातें सिखाई जाती हैं, तो उसकी पहले क्लिप देखो, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, फाइनली आप शाखा के क्लिप्स देख के आई गए होगे। तो उसके बाद अब हम खिचड़ी का वितरण करने जा रहे हैं, तो आप उसको सिनेमेटिक्स देखो एंड उसके बाद फिर से मिलता हूँ मैं आपको।
तो गाइस सब बच्चे खिचड़ी यहाँ पे खाने में लगे हुए हैं जो हमने पार्टी है अभी। ये देखो पीछे लौंडे खाने में लगे हुए हैं सारे के सारे बच्चे। तो भाई कैसा टेस्ट लग रहा है बता दो कम से कम, कैसा टेस्ट लग रहा है कुछ बताओ खिचड़ी के बारे में। जी बहुत बढ़िया था लौंडा बताओ, अलग ही मजा आ रहा है, बिल्कुल मस्त एकदम खतरनाक लग रही है। टेस्ट करके देखता बताता हूँ आपको खिचड़ी खा के की कैसी लग रही है। अभी तो हमने पार्टी दूसरों को रिव्यू लिया, दूसरे लोग बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कैसी लग रही है खा के। तो ये हमारा गरीब उसको कोई जानता नहीं होगा, पर ये मेरे साथ ही रहता जाता रोहित नाम है। और देखो नहाया भी नहीं सुबह से खिचड़ी खाने आ गया सुबह सुबह देखो, और घर से चम्मच लेके आया, स्पेशली चम्मच अपनी स्टील की घर से लेके आया। ये देखो गाइस ये देखो छोटे मोटे खेल रहे, छोटे थाली भी लेके आनी चाहिए थी ना फिर तुम्हें। कैसा लग रहा है खिचड़ी? और बताओ कुछ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कैसे कैसे बांट रहे हो? अच्छा लगा, और सबने मिलके एक संसाथ होके ये खिचड़ी का वितरण किया है, और ऐसा होना चाहिए, हिंदू जागृत होना चाहिए अपना, और सबको जय श्री राम का जो मंदिर भव्य मंदिर बनने जा रहा है उसमें योगदान करना चाहिए तन मन धन से। खिचड़ी हम भी खा कर देख रहे हैं कैसे लग रही है, खिचड़ी में चटनी वटनी सब बढ़िया करके डाल के दी है, तो आज देखते हैं। ठीक है ठीक है, मूली भी फ्री है भाई साथ में खिचड़ी फ्री है, तो और कुल मिला के खिचड़ी बहुत बढ़िया बन गया, मजा आया। वही भंडारे वाली फीलिंग आ रही है जो भंडारे में मांग मांग के खाते हैं। और मजा आ रहा है खिचड़ी खाने में, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और आपने बच्चों के मुंह से रिव्यू भी सुन लिया होगा कि खिचड़ी का, कि खिचड़ी सबको कैसी लग रही है, और अंकल के मुंह से भी सुन लिया होगा जो मैंने अभी इससे पहले क्लिप डाली थी। तो आपको अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से ब्लॉग को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने बहुत सारी इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है और शाखा वगैरह के बारे में भी, तो प्लीज़ से उसको आके भी विजिट करें। और खिचड़ी हम बांट रहे हैं काफ़ी, और भी एक दो भगोना बना रहे हैं, तो अभी और भी जगह बांट के आएंगे शायद। उस गया हूँ मैं अपने घर पे, तो मेरे घर का ब्लॉग जो है आप दूसरी बारी देख रहे होगे, तो मैंने खिचड़ी का भी वहाँ पे पूरा रिव्यू दिया और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह ऐसा कुछ शुभ काम करके मकर संक्रांति के दिन। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मकर संक्रांति की, आपका दिन भी आई होप बहुत अच्छा ही जा रहा होगा मकर संक्रांति का। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा ही जाए। और गाइस बहुत मजा आया, बहुत खुशी मिली खिचड़ी बांट के हमें, और मैंने खिचड़ी का रिव्यू भी दिया वहाँ पे खिचड़ी खा के खिचड़ी कैसी लग रही है। तो गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। नैनीताल का परसों का ब्लॉग आएगा, आज है 14 तारीख, 16 तारीख को नैनीताल का ब्लॉग आएगा, तो नैनीताल का ब्लॉग भी देखना ना भूलना, वो 40 मिनट 29 सेकंड का ब्लॉग होना है, काफी बड़ा ब्लॉग है। तो गाइस पूरा देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लिप उसमें लगाई है। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मेरी जो कंटेंट होता है फैमिली से रिलेटेड होता है, मैं कुछ ऐसा कंटेंट नहीं डालता। तो गाइस प्लीज से वीडियो को लाइक करें अगेन एंड चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें शेयर। और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही हम अच्छे अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, ऐसे अच्छे ही अच्छे अच्छी चीज़ें करते रहेंगे, और आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी हम एक बड़ी फैमिली बना देंगे। तो अभी तो खैर 1500 की फैमिली बनने जा रही है हमारी, 1500 लोगों की, तो उसमें भी उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी 2000 बहुत जल्दी कंप्लीट कराने आप लोगों को। तो गाइस प्लीज से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 2000 की फैमिली करानी है जल्दी से फटाफट, और अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं ऐसे लाता रहूँगा, आपको सिनेमेटिक्स भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में। तो गाइस बहुत मज़ा आता है आप सबके साथ ऐसे ब्लॉग व्लॉग करने में, ऐसी वीडियो बनाने में, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, मतलब स्टेटस पे लगाते हैं अपनी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट लेवल पे हम काम करेंगे ज़रूर एक दिन, और बस चलते हैं। तो आपसे इतनी ही बात कहनी थी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।